उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन और देहरादून फुटबॉल अकेडमी को 5 वर्ष हो चुके हैं। इसकी स्थापना आज के दिन हुई थी 2011 में, और ये इसमें हमारी जो उपलब्धियाँ हैं हमने इसके प्रेस के द्वारा आज हम बताना चाहेंगे कि हमारे तो इतनी हमने बहुत बड़ी उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। सबसे पहले कि 2011 में जब उत्तराखंड में जो फुटबॉल का स्तर था बहुत गिर चुका था, 2000 से लेकर 2011 तक, फिर हमने एक अपनी संस्थाओं का स्थापन किया, उसके तहत हमने काफ़ी विकास किया, ग्रास रूट बेसिकली हमने फोकस दिया। इसमें हमारे पास कम से कम 4,500 बच्चों को हमने ट्रेनिंग दी है, उसके तहत उसमें 255 बच्चे आज नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और सरकारी गवर्नमेंट में, आर्मी में, सभी सब अपना नाम कमा रहे हैं, देश का नाम कमा रहे हैं। इसमें 4 बच्चे हमारे विदेश में हैं, इसमें अभी हमारे बीच बैठे हैं, और ज्योति गढ़ीवाल जी हैं जो गर्ल्स में हैं, जो कोच भी अच्छी हैं और प्लेयर भी हैं। तो ऐसे कई प्रतिभाएँ हैं, इनका हम सभी प्रतिभाओं का और भी हमारे काफ़ी प्रतिभाएँ हैं, इन सबका हम सम्मान, कम से कम 400-500 प्रतिभाओं को 23 अक्टूबर को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है देहरादून में ही। और आपको बड़ी जानकर खुशी होगी कि 2014 में हम उत्तराखंड से और इंडिया से एकमात्र मुझे डेलीगेट बना के फीफा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया गया था, जिसको बहुत भली भांति पूर्ण हमने इसको संपन्न अटेंड किया, और उसमें काफ़ी कुछ हम वहाँ से सीख कर आए और यहाँ पे आज बच्चों को तालीम दे रहे हैं। उसके बाद 2015 में मैं नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, 2016 में आउटस्टैंडिंग अवार्ड से नवाजा गया, अभी हाल ही में 16 सितंबर को हमें मेजर ध्यानचंद अवार्ड से नवाजा जा रहा है, जो जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी, खेल मंत्री जी गोयल जी, बड़े बड़े अधिकारी लोग, गणमान्य लोग, खिलाड़ी लोग इसमें मौजूद होंगे, जो जिससे हमें नवाजा जाएगा। और